चलो एक क्वेश्चन कहता है कि पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टर। एक रेजिस्टर है प्यारे बच्चों, ये सर्किट में दिया है 9 ओम, और कहता है इसमें पावर डिसिपेटेड 36 वाट है। इस वाले में 36 वाट पावर कंज्यूम हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम, तो 2 ओम ये वाला है, ये 0.1 और ये 0.1 है, वो 0.2 है। तो अगर मान लो इसमें जो भी करंट फ्लो हो रही होगी, इधर से जो भी करंट आई आ रही होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 एंड 2 ही तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के क्रॉस है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें जितनी करंट इधर से आ रही है और इसे मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं, मतलब 2i इसका सलूशन है। ठीक है, तो 2i इसका सलूशन है, मतलब i हमें निकालना पड़ेगा ना भाई। तो ये लॉजिक हमारा यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले पहचानो, इट इज़ द गेम, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, बहुत सारे लोग खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलता हूँ। तो एक गेम की तरह है यार, पहले पहचानो जाना कहाँ है, ठीक है, फिर कैसे कैसे जाओगे उस टाइप से सॉल्व करो। अब देखो जो डेटा दिया उसका यूज करो, 9 ओम रेजिस्टेंस में पावर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 9 ओम, यहाँ से जो मेन करंट जाएगी प्यारे बच्चों, इस वाले में करंट I1 चली गई और इस वाले में करंट I2 चली गई। तो इस 9 ओम में जो पावर है, पावर दैट इज I²R होता है और इसमें I1²R हो जाएगा। तो यहाँ से पावर इसमें दिया है 36 और I1² इसमें करंट और इसकी रेजिस्टेंस 9 है, तो 9 9 36, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। तो इस वाले में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, दिस इज 2 एम्पियर करंट, क्लियर है। तो अगर यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो इसमें I2 की वैल्यू कितनी होगी, तो I2 की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, चाहे करंट डिवाइडर रूल बताया हूँ डायरेक्ट लगा दो, या नहीं तो यहाँ से वोल्टेज इक्वेट कर दो। तो अगर मैं यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो ये आ जाएगा 9I1 = 6I2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो 9I1 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं 2 और 6 × I2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, काट लो इसको, तो I2 की वैल्यू ये 3 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर। तो ये बच्चों हमारे I2 आ गई 3 एम्पियर, मतलब इसमें 3 एम्पियर जा रही है और इसमें 2 एम्पियर जा रही है। तो यहाँ से कितनी गई थी, वो हो जाएगी I1 + I2, तो I की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2, दैट इज 5 एम्पियर। ये मतलब पूरी इस वाली ब्रांच में, एक ब्रांच में हमेशा करंट सेम रहता, तो यहाँ 5 एम्पियर करंट आ जाएगी। अब यहाँ से 5 एम्पियर जा रही होगी, तो वोल्टेज अक्रॉस द AB, वोल्टेज अक्रॉस द 1 और 2 लिख दो, और यहाँ से = 2 × I और 2, और I की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं इधर 5, तो यह आ जाएगा 10 वोल्ट, इसका सलूशन आ जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो